आज सरिता किचन में मिर्च मसाला फ्राई बन रहा है। दोस्तों, मिर्च मसाला फ्राई कैसे बनाया जाता है आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस मिर्च मसाला फ्राई को खाकर दोस्तों आपको कोई सब्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक बार इस तरीके से बनाइएगा तो बार बार आप इस तरीक़े से ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिर्च का सब्जी बनाएंगे दोस्तों, या मिर्च फ्राई भी इसे बोल सकते हैं। इसके लिए हम देखिए 100 ग्राम मिर्च लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से हम धो लिए हैं 2 से 3 पानी से। मिर्च का मसाला के लिए देखिए एक चम्मच हम धनिया पाउडर लिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम काला नमक लिए हैं, 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर लिए हैं। देखिए 2 नींबू लिए हैं, लहसुन लिए हैं दोस्तों। चलिए अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मिर्चा को हम इस तरह से चाकू की सहायता से कट लगा लेंगे। इस तरह से सारे मिर्चा को हम काट लेंगे दोस्तों। इस तरह से काट लेना है। चलिए हम सारे मिर्चा को इसी तरह से हम काट ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, सारा मिर्च में हम जीरा लगा लिए हैं। अब हम इसका मिर्च फ्राई बनाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मिर्च का सब्जी या मिर्च फ्राई बनाने के लिए, मिर्च मसाला फ्राई बनाने के लिए देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हम 2 बड़ा चम्मच हम तेल डाले हैं। तेल गर्म हो गया दोस्तों। अब हम गैस के फ्लेम को लो करते हुए 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें मिर्चा को डाल देंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गया, देखिए मिर्च फ्राई हो गया। देखिए मिर्च का कलर चेंज हो गया है, इतना ही हमको फ्राई करना है। गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे। देखिए दोस्तों, हम पंखे के लिए लहसुन को हम कद्दूकस करके रखे हैं, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए 1/2 चम्मच जीरा गोल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा गोल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। सरसों मसाला भी पीस कर डाल सकते हैं दोस्तों। हम सेकेंड बार बनाएंगे तो हम सरसों मसाला से बनाएंगे दोस्तों। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, 1 चम्मच सादा नमक डाल रहे हैं। अब देखिए इधर हम नींबू को भी निचोड़ ले रहे हैं। आप नींबू, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आम का अचार भी इसमें डाल सकते हैं, या आम का जो सूखा कर रखा जाता है खटाई भी डाला जा सकता है, इमली भी आप डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए 2 नींबू को हम निचोड़ लिए हैं। इसमें से हम बीजा को निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए लहसुन धनिया पाउडर और जीरा गोल मिर्च का पाउडर देखिए फ्राई हो गया है। अब हम इसमें देखिए नींबू का रस को हम डाल दे रहे हैं, और 1/2 चम्मच हम काला नमक और 1/2 चम्मच हम आमचूर पाउडर लिए उसे भी हम डाल दे रहे हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। तो हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मिर्च फ्राई बनकर तैयार हो गया है। देखिए दोस्तों, मिर्च मसाला फ्राई बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो या सब्जी खाने का मन नहीं हो तो इस तरह से आप मिर्च फ्राई करके
अब खा सकते हैं दोस्तों, आपको कोई सब्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मीट मसाला फ्राई को हम सर्विंग प्लेट में सर्व किए हैं। दोस्तों आप इसे रोटी पूरी पराठा दाल चावल के साथ खाइए। दोस्तों आपको कोई सब्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, इतना टेस्टी लगेगा और तीता तो एकदम नहीं लगेगा दोस्तों। आप सोचेंगे कि कैसे खाएंगे, लेकिन इसमें हम आमचूर पाउडर डाले हैं, नींबू डाले हैं, तो तीता तो आपको लगेगा ही नहीं दोस्तों। दोस्तों आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से मिर्च मसाला फ्राई बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।